हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह, फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। आज मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 90s और 20s में आए हुए क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और EMI और AC का जो बेस है वो यहीं से है और हर साल इसके हर एक पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। इससे डायरेक्ट भी आते हैं और दूसरे चैप्टर से भी इंक्लूडेड आते हैं। तो अपन वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके अराउंड यदि कुछ और भी मिलता है तो अपन साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, 100 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट 5.2 एम्पियर, कोरोसिविटी ऑफ द बार मैग्नेट इज। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक मैग्नेट है और उसको डीमैग्नेटाइज करना है और डीमैग्नेटाइज करने के लिए सोलेनोइड का यूज ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसके लिए आजकल का जो ट्रेंड है उसमें सोलेनोइड का यूज किया जाता है। ऐसा बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है कि अपन को टेम्परेरी मैग्नेट बनाना होता है सो दैट कि किसी जैसे कोई चीज़ ऊपर उठानी है, जैसे सपोज कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और ट्रेन का जो बोगी है उसको ऊपर उठाना है, उसको रिप्लेस करना है, तो डेफिनेटली एक बार उसको मैग्नेट की हेल्प से उसको पिक करेंगे, फिर साइड में लेकर उसको वहाँ छोड़ना भी होता है, तो उस समय उसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा बिकॉज मैग्नेट के हेल्प से अपने बोगी को साइड में लिया है। तो डीमैग्नेटाइज करेंगे जो उसी केस के अंदर वो दोनों सेपरेट हो पाएंगे। सो अपन अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो है उसमें डीमैग्नेटाइज बोला है, तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि सोलेनोइड क्या होता है। ये सोलेनोइड होता है, इसके अंदर एक टर्म होता है n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न है 100 नंबर ऑफ टर्न है एंड जो l है दैट इज 0.2 मीटर। ठीक है, ये n हो गया और इसके अंदर एक मैग्नेट रखा है जिसको आपको डीमैग्नेटाइज करना है। इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इस मैग्नेट के अंदर, जैसे सपोज इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में है तो ये जो सोलेनोइड है उसका बी आना चाहिए इस डायरेक्शन में सो दैट के एक दूसरे को मैग्नेटाइज कर लें। इस बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा μ0 ni। आपको पूछा क्या गया है, कोरोसिविटी ऑफ बार मैग्नेट, इसका मतलब आपको पूछा गया है एच, जिसका वैल्यू होता है बी डिवाइड बाय μ0। तो अपन क्या कर सकते हैं, यदि इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूं तो बी डिवाइड बाय μ0 इज गिवन बाय ni, दैट इज इक्वल टू एच। तो अपने पास एच का वैल्यू आ गया एन, आपके पास ये रहा 100 डिवाइड बाय 0.2 इंटू आई। आई कितना दे रखा है, आई जो है उसके अंदर दे रखा है 5.2, सो दैट इज 5.2। अब सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ही चीज़ है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन यूजली ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इजीली होती है। ठीक है, तो अपने पास ये वाला क्वेश्चन हो गया, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन।
जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है, दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फाइनाइट वायर है और ये जो लूप है वो एक ही प्लेन में है। इसका रेडियस आपको दे रखा है ए और डिस्टेंस डी। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि डी जो है वो काफ़ी बड़ा है, जो डी का वैल्यू है वो ए से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको पूछा है लूप अप्लाइज ए फोर्स एफ ऑन द वायर। ये जो लूप है ये लूप इस पर फोर्स एफ लगाता है। देन व्हाट विल बी अमाउंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इसकी क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को डील करने के दो मेथड हैं, एक काफ़ी लेंदी है, एक स्मार्ट वर्क और अच्छा यूज है न्यूटन के थर्ड लॉ का। अपन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अपन क्या क्या सोच सकते हैं, अपन को किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो मैग्नेट, ये जो लूप है, एवरी लूप बिहेव एज ए मैग्नेट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेट है और मैग्नेट का अपन मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं नॉर्थ अंदर की और साउथ बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेट। तो मैग्नेट ऐसे है और यहाँ पर आपको एक वायर दिया है, तो उस वायर पर आपको फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, इस मैग्नेट के ये एक्सिस पर है, बट जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे, आप जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे बी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, एंगल पर डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो पहली बात तो अभी भी ये जो है वो तो इसके परपेंडिकुलर ही है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर कारण जो बी होता है वो होता है टू के एम डिवाइड बाय आर क्यूब, यदि ये डिस्टेंस आर हो तो। बट फिर भी एक दिक्कत ये आ रही है कि इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि थीटा के साथ वेरी करेगा, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये जो अपना एक्स है, ये एक्स का जो वेरिएशन है, अब वो उसको कहाँ से कहाँ तक करें, तो ये एक दिक्कत आ रही है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सही आइडिया नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया आप सीधा सीधा वैसे ही करें। इसका एक दूसरा जो तरीका है या मेथड है वो ज़्यादा इफ़िशेंट है, हालांकि उसके अंदर भी अपन को थोड़ी सी ट्रिक तो यूज़ करनी पड़ेगी, बट फिर भी वो ज़्यादा ईजी है। कैसे क्या है, अपन क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये कर सकते हैं, यहाँ जो पूछा ना कि ये लूप इस पर किस कितना फोर्स लगा रहा है, तो अपन इसका उल्टा कर देते हैं, क्या कि लूप को तो रिप्लेस कर देते हैं वायर से और वायर को कर देते हैं लूप से। मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन ये मान लो कि ये वायर इस लूप पर फोर्स कितना लगा रहा है। ये कहां से सीखा, ये कहां से लिया मैंने कॉन्सेप्ट, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिया है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि यदि लूप वायर पर एफ फोर्स लगाएगा तो वायर भी लूप पर एफ फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ तो डायरेक्शन वाले तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर के कारण इस लूप पर फोर्स फाइंड कर रहा हूँ। तो लेट अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ये एक इन्फाइनाइट वायर है और ये एक इन्फाइनाइट एक काफ़ी डिस्टेंस पर एक लूप है जिसका रेडियस ए है। अब थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले क्योंकि अपन को फोर्स फाइंड करना है तो ये देखना पड़ेगा कि इस वायर के कारण बी की डायरेक्शन इस साइड कहाँ पर है। तो इस वायर के कारण इस साइड बी रहेगा इनसाइड और इसके इस साइड आउटसाइड। बहुत सारे मेथड हैं फाइंड करने के, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बता देता हूँ किसके लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी। एक सिंपल सा मेथड है, कॉन्सेप्ट आप समझो, अपन को ये पता है कि
जो फ्लेमिंग रूल होते हैं उसके अंदर अपने इन तीनों को, थंब को, स्कोर, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना पड़ता है। बट बेसिकली आप यदि थोड़ा सा माइंड यूज करें तो नेचुरली अपने पास तीन चीज़ें हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, वो गॉड गिफ्टेड है। जैसे थंब है, थंब इस डायरेक्शन में, फिंगर इस डायरेक्शन में और पाम इस डायरेक्शन में है। आप ये देखो, ये एक्स, ये वाई में हो गया, ये एक्स में हो गया और ये जेड में, तो ये नेचुरली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ अपने मेथड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। उसमें चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अपन जो यूज लेंगे वो लेंगे राइट हैंड, तो तीन चीजें हैं, फिंगर, थंब एंड पाम। जो करंट है जिसके कारण आपको डायरेक्शन बतानी है, उसकी डायरेक्शन में क्या लोगे, थंब। आपका जो थंब है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है वहां पर क्या करोगे, टिप, ये जो अपनी फिंगर की टिप है, जैसे वहां पर फाइंड कर देंगे तो टिप्स ऑफ फिंगर, देन अपनी जो पाम है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम इजी बच्चों, एकदम इजी सिंपल सा। क्या करना है, जिस भी करंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर अपना थंब पुट कर दो, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पर अपना टिप पुट कर दो, ये जो पाम है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज मुझे इस वायर के कारण इस पॉइंट पर इस साइड फाइंड करना है, तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या करूंगा, करंट के डायरेक्शन में मैंने अपना थंब पुट कर दिया। जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है, पॉइंट को इस साइड गए तो मैंने इस साइड पॉइंट, देखो एक बार मैंने थंब को डिसाइड कर लिया कि ऊपर की ओर है, फिर मैं थंब को चेंज नहीं कर सकता। सो करंट ऊपर की ओर है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है तो मैंने अपने फिंगर को खोल दिया, पाम जो है वो इनसाइड की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इनसाइड। नाउ सपोज मुझे इस साइड फाइंड करना है, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ सो दैट कि मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहूँ समझा सकूँ। सब ये बी है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो अब मैंने थंब को ऐसे पुट कर दिया है, मेरे फिंगर को यहाँ पुट करना है, तो यदि ऐसे तो कर नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसे कर दिया तो मेरे करंट के डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, थंब मुझे ऊपर ही रखना है, तो क्या करूँगा, मैं अपने डायरेक्शन को चेंज कर लूँगा। तो बी ऐसे, मतलब करंट ऐसे, वो पॉइंट, तो पाम आगे बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ गई, आउटसाइड, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप बोलोगे कि आप तो बोर्ड के इधर उधर चले गए, हम कैसे जाएं, तो बेटा आप अपने नोटबुक को रोटेट कर सकते हो। बात वही है, यदि अभी लाइन ऐसे खींची हुई है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, अपने नोटबुक को उल्टा कर दो, करंट अपना नीचे आ जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स सोच कर अपन को क्वेश्चन करना है। तो ये मैंने आ गया किसके लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी, बी फाइंड करने का एक मेथड है, ठीक है। तो चलो मैंने इस वायर के कारण यहाँ पर बी फाइंड कर दिया कि यहाँ पर जो बी है वो तो रहेगा इनसाइड और यहाँ पर बी है वो रहेगा आउटसाइड। अब पॉइंट है, अब बारी है फोर्स फाइंड करने की। तो यदि फोर्स फाइंड करना है तो उसके लिए भी मैं वापस यूज कर रहा हूँ, तो अपन देख लेते हैं। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही बात, राइट हैंड यूज करना है, जिस एलिमेंट पर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पुट करना है। आपने यदि पता कि यहाँ पर एक क्या करना है,
जो बी है उसके डायरेक्शन में अपने पाम को पुट करना है, जिस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन है जिस पर आपको फोर्स फाइंड करना है, जिस एलिमेंट पर आपको फोर्स फाइंड करना है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर पुट कर दो। देन जो आपका थंब है, जो थंब है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एकदम इजी है, अपन देखते हैं कि ये क्या है, कैसे अप्लाई करना है। जैसे लेट अपन मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल के कारण उसके डायरेक्शन में अपने पाम को रख दो। तो पाम तो है ऐसे, अब आपको जिस पॉइंट पर भी फोर्स फाइंड करना है उस डायरेक्शन में, जैसे मुझे इस पर फोर्स फाइंड करना है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर। अब करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो मैंने करंट को ऐसे अपने फिंगर को ऐसे कर दिया, बी ऑलरेडी अंदर है देखो, बी ऐसे करंट ऐसे जा रहा है रोटेट कर दिया, तो ये फोर्स हो गया ऊपर की ओर, तो ये फोर्स आ गया ऊपर की ओर, ठीक है। नाउ नीचे वाला सेक्शन बी है अंदर की ओर, करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर फोर्स आ गया नीचे, इसका मतलब ये फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने का रीजन ये नहीं है कि ऑपोजिट है, कैंसिल आउट होने का रीजन ये है कि इस इनफाइनाइट वायर से इन दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल है, सो डेफिनेटली दैट विल बी कैंसिल आउट। अब अपन ये देख लेते हैं कि यदि मैं यहां पर लेता हूं और यहां पर लेता हूं तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सा ये, पहली बात तो यहां पर रहेगा बी वन, तो यहां पर रहेगा बी टू, बिकॉज बी का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट आई टू पाई डी, तो यहां पर डी कुछ और है, यहां पर डी कुछ और है, सो डेफिनेटली ये दोनों बी वन और बी टू अलग रहेंगे। अब अपन फोर्स के डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, तो आपको फोर्स के बारे में पता चल जाएगा, बी अंदर की ओर है तो अंदर, करंट ऊपर की ओर तो इधर, अपने पास आ गया एफ वन, यहां करंट ऑपोजिट में जा रहा है नीचे की ओर, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो अब देखो करंट नीचे जा रहा है बी अंदर की ओर है, तो ये आपके पास आ गया एफ टू। तो बेसिकली अपन को एफ वन माइनस एफ टू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपने साइड में डिस्कस कर ली, सो दैट कि इस चैप्टर का जो अपन को ओवरऑल पॉइंट है वो समझ में आ जाए। ऐसे फिर कोई क्वेश्चन आया तो अपन को अगेन रुकने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को अपन बाईपास भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लिखकर अपन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा वापस करते हैं। तो ये था, इसके अंदर करंट जा रहा है आई नॉट, मान लो ये एक लूप है। यहां पर भी एक छोटी सी ट्रिक अपन यूज करेंगे, अपन को पता चल गया कि भाई यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसको इजी करने के लिए, मैंने दो छोटे से टुकड़े ले लिए, छोटे से एलिमेंट, ठीक है। ये जो ऐसा था इसको मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। अब आप बोलोगे कि ये क्यों किया, तो वो इसलिए किया कि आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मैं यूज कर रहा हूं कि जो डी है वो ए से बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो इट डजेंट मैटर कि वो सर्कल है या स्क्वायर है, वो एक जैसा ही दिखेगा। और खास करके उस समय जब आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो मैंने ये दो सेक्शन बना लिए ए लेंथ के, जो अपने पास आया था इसमें करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट ऐसे, दैट इज योर एफ वन एंड दैट इज योर एफ टू। एफ वन कितना है बच्चों, तो मैं लिख लेता हूं B1 I2, इसमें जो भी करंट जा रहा है, और ये साइज कितनी इसकी A, ये F1 आ गया। इसी टाइप से F2 कितना आएगा,
एफ टू आएगा बी टू आई टू ए, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए के। सो अपने पास जो नेट फोर्स आ रहा है, अब देखो नेट फोर्स देखो आई टू और ए तो दोनों में कॉमन है, सो दैट इज बी वन माइनस बी टू आई टू इंटू ए। डिपेंडेंसी आपको ए और डी की पूछी है तो बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ए को वहीं का वहीं रखना है, आई टू दोनों में कॉमन है उसको जाने दो। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा बी का फॉर्मूला क्या है, देखो बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई आर। आर क्या है, आर है दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, आपको एक तो ये दे रखा है डी और ये दे रखा है, यदि मैं साइड, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो आप साइड इसकी चाहो तो 2a ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए a लिख रहा हूं, तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। सो इसका मतलब i की लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूं म्यू नॉट i डिवाइड बाय 2 पाई d माइनस ए बाई टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आई टू पाई डी प्लस ए बाई टू आई टू इंटू ए। ठीक है, ये अपने इक्वेशन लिख ली। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कॉमन चीज उसको नहीं लिखूंगा, ये 2 पाई कॉमन है, ये 2 पाई कॉमन है, इसको अपन सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया d प्लस a बाई टू माइनस ऑफ d माइनस a बाई टू, वहां पर a है उसको मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। यदि आपको ठीक है नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, सो दैट आपको दिख जाए। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको डी से डी चला जाएगा तो ये आ जाएगा ए डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर इंटू ए। आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये वाली टर्म है ना, आपको गिवन है उसका यूज करना है, ए बहुत छोटा है तो इस टर्म को आप लिख सकते हो सीधा डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा मैंने ट्रिक भी यूज किया इसके अंदर और वहां से अपना आंसर आ गया कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर क्या है वही दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा और अपन को इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन की नीड ही यही थी, बहुत डिस्टेंस पर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखो प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता ना तो मैंने ए बाई टू नहीं लिख पाता मैं, फिर तो मुझे एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी के लिए पूछा जाए तो आपका सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना जो था वो कंप्लीट हुआ सेकेंड। अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए करंट लूप के हैविंग टू सर्कुलर आर्क जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस इज शोन इन द फिगर, इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पीयर, द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी क्लोज टू। पहली बात तो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया है, पूछा है और आपको इस पॉइंट पर पूछा है, तो इस पॉइंट पे पूछा है तो अपन इंफॉर्मेशन सब यहीं लिख लेते हैं एक बार। तो आपको इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पर अपने पास चार पार्ट है, एक ये एक ये एक ये और एक ये, अपने पास चार पोर्शन है। इस वायर के कारण आपको शायद पता होगा कि यदि कोई स्ट्रेट वायर है और सामने पॉइंट है तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो बी होता है वो होता है जीरो, सामने हो या पीछे हो।
तो इसका मतलब इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, अपने पास दो बच गए। अब उन दोनों के कारण फाइंड करना है, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, और बाकी यहाँ का जो दोनों का एंगल है वो आपको दे रखा है पाई बाई फोर। ये यदि करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये है एक आर्क, तो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो पूरा सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, कोई छोटा एंगल हो, तो उसके लिए मैं आपको करके बता देता हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। बी ड्यू टू आर्क, सपोज जो आर्क है वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसके कारण जो बी होता है वो होता है म्यू नॉट, ये सपोज इसकी रेडियस है आर, म्यू नॉट आई टू आर अल्फा डिवाइड बाय टू पाई। सिंपल सा है, म्यू नॉट आई टू आर अल्फा डिवाइड बाय पाई। तो अपन यदि इस पर्टिकुलर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अल्फा कितना है पाई बाय फोर, तो किसी एक आर के कारण जो बी का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई टू आर, अल्फा कितना है पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा वन बाई एट। तो कितना हुआ, एक के कारण म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 16 आर, ये एक आर्क के कारण आ गया। अब अपन को सिर्फ इतना सा देखना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगा। तो बच्चों देखो, ऊपर वाला वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इनसाइड, और जो नीचे वाला है उसके कारण रहेगा आउटसाइड। अच्छा, बी का वैल्यू किस पर डिपेंडेंट आ रहा है, आर पर, जिसका आर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा उसका बी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली ये तो आपको गिवन है, कितना गिवन है, इट इज ओनली 3 सेंटीमीटर, तो ये तो है 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अपन एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो वेरी क्या कर रहा है, एक आर वन और एक आर टू दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक सीधा फॉर्मूला यूज करना है, तो अपन एक बार कर लेते हैं। तो नेट बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई 16 वन अपॉन 3 माइनस वन अपॉन 5 वन अपॉन 5 इंटू 10 to the power 2। पता है 2 क्यों आया, बिकॉज ये सेंटीमीटर में, इट इज 5 माइनस 2 सेंटीमीटर दोनों में तो ऊपर आ जाएगा। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ही आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट, ये कितना होता है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7। करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 10 एम्पियर, 10 और तो ये पावर हो गई 3 डिवाइड बाय 16, और ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 5 इधर तो 2 डिवाइड बाय 15, तो ये अब इजी है, 15 है ये, ठीक है भाई 15। तो आप इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड अदर वन इन टू द सर्कुलर कॉयल ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न। पहली बात तो ये बोला है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, आपको जो वायर है वो आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है, लेंथ एल है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, मतलब एक को सर्कल बनाया और एक को कॉयल बनाया है, एक को सर्कल बनाया है और एक को ऐसे कॉयल बनाया है। इफ द सेम करंट इज पासिंग बोथ, दोनों में सेम है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब पहली बात तो आपको ये पता करना है कि लूप किसको बुलाया गया है और कॉयल किसको बुलाया गया है, ठीक है। तो क्या बोला है, एल इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो ये तो है आपका
जो फाइंड करना है सिंगल के लिए वो तो है बी एल, और इसके लिए जो है वो है बी सी, करंट ऑफ द कॉयल। ठीक है, तो आपको बी एल डिवाइड बाई बी सी फाइंड करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। दोनों का L सेम है तो अपन ये सॉल्व कर लेते हैं, इस पर से खैर। तो L इज इक्वल टू 2 पाई R एक का, और एक है N 2 पाई R। तो इसका तो मैं मान रहा हूँ कैपिटल R, और इसको है वो स्मॉल R। इसमें कितने लूप हैं? इसके अंदर N लूप है। और बेसिकली आपको पूछा क्या गया है, बी एल डिवाइड बाय बी सी, ये आपको पूछा गया है। तो अपन बेटर ये रहेगा कि अपना इतना इन्फॉर्मेशन लिख दिया, अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो आपको बहुत सारे स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो अब अपन को फाइंड करना है किसी भी सर्कुलर लूप के कारण बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 R। ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं बी एल, बी एल बी एल कितना है तो म्यू नॉट, एन कितना है 1, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना है बच्चों 1, तो 1 आई डिवाइड बाय 2 R। एंड व्हाट इज बी सी, तो बी सी देखो बच्चों वो है म्यू नॉट, एन लूप है उसके अंदर, कैपिटल एन है तो मैं कैपिटल एम लिख लेता हूँ, करंट सेम है आई डिवाइड बाय 2, रेडियस होगी इसकी आर। ठीक है, ये आर आ गया। अब अपन को बी एल डिवाइड बाय बी सी फाइंड करना है, तो देखो मैं यहाँ पर बी एल डिवाइड बाय बी सी फाइंड करना है, तो अपन इसी चीज़ का डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट एन I डिवाइड बाय 2 R। तो यहाँ से अपने पास आ गया, देखो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें तो कॉमन है, कट जाएगी, अपने पास आ जाएगा R N R। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। और अब अपन यहाँ से रिप्लेस करना है, R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू है वो है कैपिटल R डिवाइड बाई N। तो यहाँ अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई N स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बी एल डिवाइड बाई बी सी जो आपको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चार्ज है जिसका जो चार्ज वही है जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या होता है, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी अपन बात किए थे, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक अंदर की ओर लगेगा फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो वेलोसिटी और इसके बीच में जो बी के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि जब सर्कुलर मूव करता है। इसको अपन सेंटीपिटल फोर्स लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो अपने पास आर का एक अच्छा सा फॉर्मूला आ जाता है, एम वी डिवाइड बाई बी क्यू। अपन इसका यूज करना है नहीं करना वो बाद का मैटर है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आता है। अब आपको ये बोला है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर एम मेक्स इट टू मूव इन द स्ट्रेट पाथ। अब ये बोल रहा है कि आप यदि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो जिसका अमाउंट उतना है तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज क्यू है इस पर यदि मैग्नेटिक के कारण फोर्स लग रहा है क्यू वी
बी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है ऐसे, दैट इज क्यू ई, और ये दोनों यहाँ पर हो रहा है बैलेंस, दैट इज क्यू वी बी, ये बैलेंस हो गए। तो यहाँ से अपने पास आ गया, देखो क्यू से क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास वी का फॉर्मूला आ गया ई डिवाइड बाय बी, हालांकि आपको शायद ये पता भी होना चाहिए, दैट इज वी। तो ये अपने पास आ गया ई अपॉन बी का फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास पूछा है, तो बेसिकली मुझे यहाँ वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है रेडियस आर गिवन है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एम बी क्यू, वेलोसिटी कितनी है ई डिवाइड बाय बी, मैं वहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया। अपन को एम फाइंड करना है, एम फाइंड करना है तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं एम इक्वल टू, एम फाइंड करना है आर बी स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय ई। अब आप इसमें सिर्फ इतना सा रहा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो अपन वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा 2 × 10⁻²। देखो बच्चों अब ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो तो आपको करना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, मेरा या हमारा जो सेल्स का काम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट से रिवाइज कराना, तो कॉन्सेप्ट आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना जो फिफ्थ था वो हो गया कंप्लीट, उसमें बस दो तीन चीज़ें आपको, एक तो वो आर का फॉर्मूला याद रखना है आर इजक्ल टू एम वी डिवाइड बाई बी क्यू, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं, तो देखते हैं सिक्स पर क्या है। सिक्स इन एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बच्चों अभी जस्ट मैंने दिया था आर इज इक्वल टू क्या होता है एम वी डिवाइड बाय बी क्यू, और अपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि मोमेंटम को आप लिख सकते हो 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय बी इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको लिख लेते ई बी। अब आपको ये बोला है कि एक किसी चार्ज को रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, तो यहाँ आएगा इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रहेगी ई वी के बराबर। वी क्या है, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच का, जिसके थ्रू उसको ने एक्सेलरेट किया था, ठीक है। तो ये आ गया, थोड़ा सा लिखने में ढंग से नहीं लिख रहा है, मैं मिटा देता हूँ, देखो ई दैट इज ई इंटू वी, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास ये आ गया टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा ई वी डिवाइड बाय ई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आर का फॉर्मूला आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व तो क्या करना है, मास आपको इलेक्ट्रॉन का गिवन है, ये रहा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये आपको दे रखा है वोल्टेज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो ओवरऑल आप जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो वो तो आप कर ही लोगे। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था और इसमें सेम लॉजिक है, बस चेंज इतना सा है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी या जो मोमेंटम था एम वी, उसको अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिखा है और फिर उसको वोल्टेज के फॉर्म में भी लिखा है, ओके। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, द रीजन बिटवीन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड डी कंटेन ए मैग्नेटिक फील्ड बी जेड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एम एंड चार्ज क्यू एंटर द रीजन विद वेलोसिटी वी आई, डी जो है मतलब जो आपको विड्थ दे रहेगी वाई में वो गिवन है एम वी डिवाइड बाई, इसका मतलब जो आपको डी दे रखा है डी इज आर बाई टू वो आपको गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट इमरजेंस एट द आउटर साइड, तो बच्चों पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन खुद ही बोनस है, बोनस इसलिए है कि इन्होंने ये दिया ही नहीं है कि वो एंटर कहाँ से कर रहा है,
डायग्राम यदि अपन बनाए तो डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा, वाई इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे गिवन है, यहां से लेकर यहां तक वाई इक्वल डी तक, तो लेट वो यहां तक गिवन है और दैट इज इक्वल टू आर बाई टू, और जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे एंटर कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल का पहली बार तो कोई एंट्रेंस पॉइंट ही गिवन नहीं है, तो उसके बिना तो अपन निकल ही नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो अंदर घूमेगा, चार्ज पार्टिकल है वो अंदर रोटेट करेगा, फिर भी अपन मान लेते हैं कि लेट वो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये इस टाइप से रोटेट करेगा और ये फिर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जब कर रहा होगा जस्ट इसके बाहर। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि जो जस्ट बाहर है उस समय तो अलग है, लेकिन इमरजेंसी समय पूछा है तो इस पॉइंट पर जो फोर्स रहेगा, अब देखो यदि यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसका जो चार्ज सेंटर है वो यहाँ रहेगा, ये आपके पास रहेगा टोटल आर। तो अभी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो ऐसे रहेगी, दैट इज योर ए, वो कितना है, बहुत इजी है, क्यू वी बी डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करना फिर ये काम हो गया इजी वाला, ये अपने पास आर हो गया, ये ऐसे लेट अपन मान लेते हैं कि थीटा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आर कॉस थीटा, सॉरी आर ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इज आर बाई टू, तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर यदि अपन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है तो वो आ रहा है माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, हालांकि क्वेश्चन बोनस है बट एक्सेलरेशन यदि आपको पूछा जाए तो इस टाइप से इसको फाइंड करना है। बोनस इसलिए है कि इसका एंट्रेंस पॉइंट गिवन नहीं है, यदि एंट्रेंस पॉइंट होता तो फिर अपन फिर भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, काफी लेंदी है, देख लेते हैं क्या है। एज शोन इन द फिगर टू इनफाइनेटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर आर बेंट बाय 90 डिग्री एंड प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द सेगमेंट एल पी, ये आपके पास मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये है ऐसे, इधर है एल, इधर है पी, इधर है एस, ये ऐसे है, एल पी एंड क्यू एम, तो एक्चुअली यहाँ पर तो है ये एम और यहाँ है क्यू, यहाँ पर है एन, आपको डायग्राम में क्वेश्चन वो दिख रहा होगा, और ओ पी एक बीच का पॉइंट है ओ, ये रहा, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको अभी प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा वापस दूसरे पेज में, बट एक बार मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सो दैट कि अगेन एंड अगेन इस पेज पर मुझे आने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज योर 4 सेंटीमीटर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू बेसिकली गिवन है, जो बी आ रहा है वो आपके पास है 10^-4, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो आपको बताया गया है कि करंट की डायरेक्शन क्या है एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दो चीज़ पूछी है, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, तो आप देखो आपके वो काम आ गया जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया था, करंट का डायरेक्शन ऐसे दे रखा था, आपने याद भी होगा। चलो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ डायग्राम, ये एक ऐसा है इस टाइप से, यहाँ करंट ऐसे है और यहाँ पर करंट ऐसे है, इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, सिमेट्रिक पॉइंट है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि ऑपोजिट सॉरी उसके जस्ट सामने वाला पॉइंट है। अब देख लेते इसके कारण, ये है हाफ वायर, तो हाफ वायर के कारण जो बी होता है वो होता है म्यू नॉट आई 4πr, आर कौन सा है, ये डिस्टेंस, जो कि उस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये
अब इसके कारण यदि मैं बी फाइंड करना है तो ये करंट ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन फाइंड करना है तो बी आ गया इनसाइड, किसके कारण, इसके कारण। अब इससे भी देख लेते हैं, अब देखो ये करंट जा रहा है नीचे, पॉइंट इस साइड है तो मुझे इस साइड आना पड़ेगा, और यहाँ से देखने पर भी करंट जो है वो इनसाइड है, तो दोनों का बेसिकली डायरेक्शन सेम आ रहा है, इसके कारण भी ये आ रहा है, इसके कारण भी बी जो आएगा ये का ही आएगा, बिकॉज सेम वायर है, इनफाइनाइट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका टू टाइम, तो मैं लिख लेता हूँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई आर, ठीक है। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, अब अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10^-4, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 1/2 म्यू नॉट 4 पाई, तो 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, 4 पाई आई डिवाइड बाय आर, 10^-4, आर को भी मैं इसे लेकर आ जाता हूँ, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 10^-2 इक्वल टू 2 10^-7 इंटू आई, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा यहाँ तो सीधा आ रहा है आई इज इक्वल टू 20। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर था वो कंप्लीट हो गया। ये आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, एन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दोनों का मास का रेशियो गिवन है, चार्ज का रेशियो गिवन है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज द रेशियो ऑफ रेडियाई, फिर वही क्वेश्चन आ गया वापिस, तो अपन इसमें ज्यादा जोर नहीं देंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का दे रखा है, तो 2mqv डिवाइड बाय बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सब सेम है, तो दैट इज m डिवाइड बाय क्यू का रेशियो। तो अब इसमें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत, मतलब बहुत ईजी है, अब इसमें मैं तो क्या सॉल्व करूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे r किसका रेशियो पूछा है, rp अपॉन r अल्फा, तो क्या आएगा, देखो बच्चों ये ध्यान रखो, मास r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, तो यहाँ आएगा मास ऑफ द प्रोटॉन, तो सीधी सी बात है यहाँ आएगा मास ऑफ द अल्फा, चार्ज उसके नीचे है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ q ऑफ द अल्फा अपॉन q ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें गिवन ही है, इसका रेशियो 1:4 है और इसका रेशियो 1:2 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सर्कुलर कॉयल हैविंग एंड टर्न एंड रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, इट इज हेल्ड इन एक्स जेड प्लेन इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी आई, द टॉर्क ऑन द कॉयल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आपको एक कॉयल दे रखी है एंड टॉर्क पूछा है। फर्स्ट थिंग, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूँ, दैट इज एम क्रॉस बी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एम बी साइन थीटा, ठीक है, where theta is angle between m and b, so ये अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अपन ट्राई करते हैं कि ये समझते हैं कि what is m, so m is, it is called magnetic moment and that is n I a, n is number of turn, I is the current and A is the area and it is vector quantity, so we are going to use area vector. Basically area vector जो होता है, area दो type के होते हैं, closed and open.
जब भी अपन मैग्नेटिक मोमेंट का एरिया काउंट करेंगे दैट इज ओपन, तो उसके डायरेक्शन फाइंड करने का एक मेथड होता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, राइट हैंड का यूज करना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस साइड अपने इस फिंगर को कारो करना है, उस साइड में कार्ल करना है, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कि सपोज एक सर्कुलर कॉयल है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, इट्स मीन करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो एम की डायरेक्शन आएगी या एरिया की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज यदि इसका जस्ट ऑपोजिट होता ऐसे, तो अब क्या हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ऐसे मूव कर रहा है, सो डायरेक्शन क्या हो जाती है इसकी, डायरेक्शन हो जाती नीचे की ओर। सो बेसिकली यह है वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉयल है हैविंग एन टर्न, इट इज हेल्ड इन एक्स जेड प्लेन, इट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ एक्स वाई एंड दैट इज योर जेड। जब भी क्लोज या ओपन एरिया होता है, यदि आपको प्लेन गिवन है एक्स जेड, तो एरिया की जो डायरेक्शन रहेगी, एरिया की डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, डायरेक्शन ऑफ द जेड, बिकॉज एक्स जेड के परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई। सो अपने यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये अपना एक कॉइल हो गई, इसके अंदर टोटल एन टर्न है एंड करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो आई कैन राइट दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया। ओके नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बच्चों कितना हो गया बीच में 90। सो अपन इजिली कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना है, दैट इज एंगल इज 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज एम, एम इज एन, करंट इज आई, एरिया इज पाई, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज आर, दैट इज आर स्क्वायर एंड बी। ओके तो आप यहाँ से देख लो कौन सा मैच कर रहा है, सो दैट इज योर फोर्थ आंसर। ओके तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क का क्वेश्चन, दैट इज ओवर। अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट एंड इंसुलेटेड वायर आर केप्ट एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, दिस वायर्स कैरी करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आई, डायरेक्शन आर शोन इन द फिगर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि ये दो वायर हैं, एक ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज सेकेंड वायर जिसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, एंड देयर इज वन पॉइंट पी। अब आप देखो, मैं उस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अगेन, दैट इज योर पॉइंट पी, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है। अब देखो, सिंस करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी इस डायरेक्शन में है, इफ यू यूज राइट हैंड पाम रूल दैट देन एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर विल बी इनसाइड। ओके सो आई एम राइटिंग हियर B1, सो व्हाट इज B1, B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, दैट इज म्यू नॉट आई 2πd। ओके अब अपन जाते हैं नेक्स्ट वायर, सेकेंड वायर में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, नाउ अगेन वी आर यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, थंब इस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे अपन को फाइंड करना है पॉइंट अपवर्ड है, सो आई हैव टू रोटेट माई हैंड, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है आउटसाइड, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड एंड दैट इज B2। अगेन ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, सो दैट इज डिस्टेंस d, तो ये तो है इनसाइड एंड जो B2 है वो आपके पास आ गया म्यू नॉट आई 2πd इनसाइड। अब अपन यदि इन दोनों को ऐड करेंगे देन रिजल्टेंट विल बी 0। तो ये वाला एकदम इजी सा क्वेश्चन अपना हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपने जो आज शायद सेकेंड क्वेश्चन किया था उसी का ही पार्ट है. ए रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड कैरिंग करंट आई टू, ये एक है जिसके अंदर करंट जो है वो है आई टू, दैट इज गिवन. लाइंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस नियर ए लॉन्ग करंट आई वन कैरिंग वायर इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर, द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू वायर विल बी. तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना. इसके बीच की डिस्टेंस ए है, तो अपन इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं. बेसिकली गिवन क्या है, ये एक वायर है, ये इस टाइप से, इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है ए, एंड ये जो साइड है वो भी आपको ए गिवन है. ठीक है, करंट जो है, करंट दे रखा है इसके अंदर आई वन, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, एंड दैट इज ऑफ आई टू. अब अपन ऑलरेडी इसका एक थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि डायरेक्शन इसके, इससे डायरेक्शन क्या रहेगी, इस ऐसे इस पूरे लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम. सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दैट इज लेट बी वन इस पॉइंट पर बी टू, मतलब ओवरऑल इस लाइन पर टोटल बी टू रहेगा, इस पर बी वन रहेगा. नाउ लेट फाइंड फोर्स. स्टार्ट यहाँ से करते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. फोर्स के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, राइट हैंड यूज़ करना है, पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के डायरेक्शन में भी फिंगर. सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, हाथ को रोटेट किया तो थंब है डाउनवर्ड आ गया. सो दैट इज अवर फोर्स, लेट एफ नॉट. डेफिनेटली इंटीग्रेट होगा, ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा. कैसे, मैं एक करके बता देता हूँ. लेट आपको कोई भी पूछ ले तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सपोज आपको इस वायर के ऊपर टोटल फोर्स पूछा है, ये है अपने अंदर करंट आई वन, ये करंट है आई टू. इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं, बिकॉज पहले अपन को इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या. सो दैट इज करंट आई टू. नाउ जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू बी आई एल. अब देखो आप, ये जो वायर है इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा. यहाँ पर कुछ और रहेगा, यहाँ पर कुछ और रहेगा, यहाँ पर कुछ और होगा. सो एट एवरी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट. सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, सो फोर्स विल ऑल्सो चेंज. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट. सो फॉर इंटीग्रेशन वी हैव टू चूज ए एलिमेंट. सो आई एम चूजिंग ए एलिमेंट एट डिस्टेंस एक्स, एंड दैट इज योर डी एक्स. ओके, सो अच्छा, यदि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रहेगा. अब यदि इस एलिमेंट पर मैं आपको फोर्स का वैल्यू पूछूं, तो यहाँ आ जाएगा डी एफ और आई आई टू, एंड लेंथ कितना है इसका, डी एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर रहेगा म्यू नॉट आई टू पाई एक्स. सो हियर वी हैव डी एफ, दैट इज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग म्यू नॉट आई वन, इसको भी साथ में ले लेते हैं, आई टू टू पाई हियर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स. ओके, सो फाइनली अब कुछ भी नहीं करना, वी हैव टू इंटीग्रेट. यदि आपको टोटल एफ पूछा जाए तो अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई इंटीग्रेट डी एक्स टू एक्स. लिमिट देखो, लिमिट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी लेंथ क्या है. लेट यहाँ पर आपको यदि ए दे रखा है और इसकी भी साइड यदि आपको ए दे रखा है, तो लिमिट विल बी ए टू टू ए. सो होपफुली आप नेक्स्ट कर लोगे. सो मेरा पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो ये आएगा इंटीग्रेशन के बाद. बट एक बार और काउंट कर लेते हैं कि क्योंकि देखो ये और ये वाला पॉइंट सिमेट्री है. सो यहाँ पर भी ऐसे आ रहा है, मतलब फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है. इस वाले पोर्शन पर ये ऐसे है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड दोनों फोर्स का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा. इट्स मीन ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट हो गया. तो यदि आपको ये आ गया तो आपको इसको मिटा देते हैं.
नेक्स्ट, ये जो दो लाइन है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली, इस पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पूरे सेक्शन पर फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड इसका मतलब इस वाले वायर पर फोर्स ऐसा आएगा, दैट इज योर एफ वन। इस वाले पर करंट ऊपर जा रहा है, यहां पर आएगा ऐसे एफ टू। एंड डेफिनेटली बी वन विल बी ग्रेटर देन बी टू, हेंस एफ वन विल बी ग्रेटर देन एफ टू। सो नेट फोर्स जो है एक तो रिपल्सिव होगा, एंड नेट फोर्स विल बी एफ वन माइनस एफ टू। ओके, नाउ ओनली क्या करना है अपन को, यहां पर बी वन आई टू एरिया माइनस बी टू आई टू, सॉरी ये लेंथ एरिया नहीं, ए अपने पास आ गया, ये बी वन माइनस बी टू इंटू आई टू इंटू ए। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अपन कर लेंगे म्यू नॉट आई वन टू पाई। देखो ये दोनों में कॉमन आएगा, इधर आएगा ये ए, इधर आएगा ये टू ए इंटू आई टू ए। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार आप इस क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका आंसर तो मैच हो गया होगा। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू ए, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर फोर पाई। एंड तो यदि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ रहा है रिपल्सिव एंड इक्वल टू, ये जस्ट अभी आया था, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 12 इज ओवर। ठीक है, तो ये एक फोर्स का क्वेश्चन था, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। क्वेश्चन क्या, पहले देखो टू वायर ए एंड बी आर कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू एज शोन इन द फिगर, द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, ए थर्ड वायर सी, थर्ड वायर आपको ये सी दे रखा है, थर्ड वायर सी कैरिंग ए करंट आई इज टू बी केप्ट पैरेलल टू देम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए सच दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, द पॉसिबल वैल्यू इज। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि यहां पर दो वायर है एंड दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। एक वायर है सी, वो इस ए से एक्स डिस्टेंस पर रखना है। अब वो एक्स किसी भी डिस्टेंस में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट उसको एक्स डिस्टेंस पर रखना है और इस टाइप से रखना है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट पेज में करते हैं, मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा ढंग से। करंट ए के अंदर अपवर्ड जा रहा है, बी के अंदर डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये है ए, ये है बी, इसमें करंट जा रहा है नीचे, इसका वैल्यू है आई वन, दैट इज योर आई टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड एक सी है वायर जिस पर फोर्स जीरो होगा। देखो बच्चों फोर्स का वैल्यू होता है एफ इक्वल टू बी आई एल, जैसे अभी लास्ट वाले में किया था। तो फोर्स जीरो तभी हो पाएगा व्हेन नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सो बेसिकली अपन को ये देख चेक करना है कि इन दोनों के कारण कहां कहां पर पॉइंट या कौन कौन सी पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉसिबल है। अच्छा, डेफिनेटली जीरो तभी होगा व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बोथ इज ऑपोजिट टू इच अदर, जब एक दूसरे के ऑपोजिट होगा उसी केस के अंदर जो है नेट फोर्स क्या होगा जीरो, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। सपोज यदि दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल भी आ गया तो वेक्टर सम कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। सो पहली बात तो ये है कि ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, उसी केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अपन चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है जीरो होने की। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर तीन रीजन है, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अपन वन बाई वन चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले अपन चेक करते हैं इस आई वन के कारण। देखो करंट अपवर्ड जा रहा है, इसके इस साइड मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड रहेगा, इस साइड रहेगा और यहाँ आउटसाइड रहेगा। ये मैंने किसके कारण लिखा है, ये जो भी मैंने लिखा है दैट इज ड्यू टू ए, ड्यू टू ए। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड वायर के कारण, सेकंड वायर के अंदर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो यदि डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर इनसाइड और वहाँ पर भी इनसाइड, तो इनसाइड इनसाइड, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा आउटसाइड। ये किसके कारण लिखा है बच्चों, ये लिखा है ड्यू टू बी। अब आप खुद देखो कि मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के ऑपोजिट में आए। तो देखो ये तो आ रहे सेम डायरेक्शन में, एक तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है रीजन फर्स्ट के अंदर, ठीक है, और एक ये रीजन है रीजन थर्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो पहली बात तो ये आ गई कि फोर्स जो जीरो है वो एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अपन वन बाय वन कर लेते हैं। देखो डायग्राम में आपको एक्स ऐसे रैंडमली बताया है, वहाँ पर आपको डॉटेड लाइन शो की है, तो वो तो जस्ट इसलिए कि आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि आप उसको जज कर पाते हो या नहीं जज कर पाते हो। ओके सो आपने जज कर लिया, तो एक तो अपना डिस्टेंस आ गया एक्स। ओके वन मोर थिंग, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है डी, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रीजन वन के अंदर इसके बी वन और बी टू का वैल्यू अपन इक्वल कर लेते हैं तो अपना आप आंसर आ जाएगा। नो बी वन कितना होगा म्यू नॉट आई वन टू पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई टू टू पाई डी प्लस एक्स। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डी प्लस एक्स है, तो यहाँ से क्यों देखो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई वन डी प्लस आई वन एक्स इज इक्वल टू आई टू एक्स। अपन को एक्स फाइंड करना है तो अपने पास आ गया आई वन डी इक्वल टू आई टू माइनस आई वन एक्स एंड यर एक्स इक्वल टू आई वन डी आई टू माइनस आई वन, ठीक है। तो एक तो अपने पास ऑप्शन जो है वो ये आ गया। अब अपन एक दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन ये क्या कहना चाह रहा है। अपन को जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आई वन को आगे लेके रखा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, माइनस आई वन डी आई वन माइनस आई टू, ठीक है। तो एक तो अपने पास हो गया ये वाला। अब अपन एक सेकेंड करते हैं, इसी टाइप से करना है आपको। सेकेंड इस रीजन में थर्ड वाले के अंदर जीरो होगा, लेट अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर, तो एक मिनट में इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। लेट इससे एक्स डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा म्यू नॉट आई वन टू पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई टू डिवाइड बाय टू पाई। लीजन ये है टोटल डिस्टेंस एक्स, दैट इज योर डी। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स माइनस डी। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट इज एक्स माइनस डी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आई वन एक्स माइनस डी इक्वल टू आई टू एक्स, एक्स को साथ में लेकर आ जाओ। सो ये हो गया अपने पास आई वन माइनस आई टू एक्स इज इक्वल टू आई वन डी। तो यहाँ से आपके पास एक्स आ गया आई वन डी आई वन माइनस आई टू। देखो यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो अपन रिजल्टेंट बोल देंगे कि जो आंसर आएगा, तो आंसर अब अपन बोल सकते हो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर जो आ रहा है, प्लस माइनस आई वन, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, सॉरी यहाँ सही है, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस हैव द सेम एनर्जी, दे आर इन द सर्कुलर ऑर्बिट इन द प्लेन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर पी आर आई एंड आर एच इज द रेस्पेक्टिव रेडियाई। ओके आपको रेडियस के बारे में पूछा है, एनर्जी सेम गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर इज इक्वल टू
टू एम काइनेटिक एनर्जी बी क्यू। अब पहली बात तो आप देख लो कि मास ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ द प्रोटॉन्स का भी कम होता है। तो सीधी सी बात है, ये काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज इज इक्वल, बी इज इक्वल, सो रेडियस जो है मैं बोल सकता हूँ कि आर ई विल बी लेस देन आर ऑफ पी। तो ऐसे ऑप्शन आपको जहाँ पर भी दिख रहे हैं पहले तो वो देख लो। ओके, एक तो ऑप्शन वन दिख रहा है एंड वन इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, इसका तो क्लियर हो गया। अब अपन देख लेते हैं किसका, आप प्रोटॉन एंड हीलियम, प्रोटॉन एंड हीलियम। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, बस देखो क्या होगा बच्चों, हीलियम में और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसको अपन यूज कर लेते हैं। मास भी डिफरेंट होता है, आर इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन आर पी डिवाइड बाय आर ऑफ द हीलियम, मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द हीलियम इनटू चार्ज डाउनवर्ड है इसलिए चार्ज ऑन द हीलियम एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। अब आपको सीधे से बताएं ये इसका फोर टाइम होता है तो टू टाइम आ जाएगा, वो इसका टू टाइम होता है, इट इज इक्वल टू वन। तो ये अपना इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आ गया, इजी क्वेश्चन था ये। तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल लूप साइड 1 मीटर विच इज ए कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। आपको ये बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है वो 1 मीटर है और उसके सेंटर पर, तो इसका सेंटर ये हो गया सबसे इक्वल डिस्टेंस पर। सबसे पहले तो अपन को ये आर फाइंड करना है, ये इक्विलेटरल है 60-60 होगा। अब देखो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, इसका यूज क्या आएगा आर फाइंड करने में, क्योंकि आपको पता है 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टू आर 1/2, ये कितना होता है 1/√3, तो ये आ गया 2√3 इक्वल टू आर। तो एक तो चीज़ अपन को याद रखना है कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 1/√3। वो मैंने इसलिए फाइंड किया बिकॉज आपको पता होगा यदि कोई भी एक वायर है, मैं सिमेट्रिक पॉइंट ले रहा हूँ, यदि ये वायर ऐसे है और यहाँ पर एंगल सबसेंड हो रहा है अल्फा एंड दैट इज एंगल बीटा, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, मस्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, रखना है इसको। नाउ वैल्यूज इस वायर के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखो अल्फा बीटा क्या है, जिस पॉइंट पर अपन को फाइंड करना है, जैसे ये पॉइंट इसका सी है ये फाइंड करना है, तो ये इसका एक्सट्रीम एंगल। अब देखना ये कितना है 90, ये कितना 30, तो ये कितना हो गया बच्चों इट इज इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फॉर ट्राइंगल इट इज म्यू नॉट आई 4π, आर है 1/√3, तो आर ऊपर चला जाएगा 2√3, यहाँ नीचे 1 है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, बट दैट इज 2 टाइम ऑफ साइन, साइन कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये तो क्या है एक वायर के कारण, टोटल वायर कितने 3, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते थे 3, यह है ड्यू टू 1 सेगमेंट, टोटल 3 है इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हो गया अपने पास, इसका वैल्यू आपको बताइए कितना होता है 10⁻⁷ इंटू करंट कितना है 10 एम्पियर, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 2 से वो कट जाएगा, ध्यान से देखना ये
पूरी क्वांटिटी जो है साइन ये हो जाएगा, क्या होता है रूट थ्री बाई टू, तो टू से ए टू कट जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री कितना थ्री, थ्री नाइन और ये 18, ठीक है। तो जब आप इसका ये आंसर आ गया इसका ये 18, ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ये क्वेश्चन आ गया इसका, मतलब आंसर आ गया। ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जब सिमेट्री होती है ना तो अपन को सीधा सीधा क्या करते हैं यहाँ पर 2 पाई आर कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं एट टाइम ऑफ द सिमेट्री। ओके नेक्स्ट, ए थिन रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, द रिंग रोटेट एट द कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड आपको गिवन है दैट इज 40, तो मैं लिख लेता हूँ ओमेगा इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट सेंटर इज गिवन बाय, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, देन द चार्ज कैरीज बाय द रिंग इज क्लोज टू, तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना क्लोजली पूछा है। नाउ गिवन देखो, ये आपको एक रिंग गिवन है, ये रोटेट कर रही है और इसके ऊपर चार्ज क्यू है, यदि मुझे इसको इक्वलेंट टू करंट कन्वर्ट करना है तो इक्वलेंट टू यदि करंट कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, आई का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाय टी, चार्ज डिवाइड बाय टी, डी क्यू बाई डी टी होता है, बट ये सब डी क्यू है तो क्यू बाई टी हो गया। आपको ओमेगा गिवन है, ओमेगा का वैल्यू यदि आपको पता हो वी कैन राइट इट इज 2 पाई डिवाइड बाय टी, इट इज गिवन बाय 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, सो 1 अपॉन जो टी है 1 अपॉन टी, बिकॉज वी रिक्वायर 1 अपॉन टी, वो आ रहा है 20, ओके सो ये आ गया अपने पास 20 क्यू, दैट इज द इक्वलेंट करंट इफ इस रिंग के ऊपर चार्ज है, तो अपने पास करंट आ गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रिंग के कारण, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2R। इसको आपको म्यू नॉट का वैल्यू गिवन है 4/10^7, तो मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, बी गिवन है, बी इज 3.8×10^-19 इक्वल टू म्यू नॉट दैट इज 4π×10^-7, आई की जगह 20 क्यू डिवाइड बाय आर, व्हाट इज आर, आर इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन, इट इज 10×10^-2। अब आप इसको एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप जैसे आप इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर जो है, देखो एक तो क्या करना है पाई को 3.14 लिखना है, ठीक है 3.14 लिखोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप इस जब इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करोगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर 3 नहीं आएगा, 3 के पास में आएगा, बिकॉज वो दिख रहा है आपको 3 पॉइंट, देखो ये कितना है 3.14, तो उसके कारण ये अप्रोक्सीमेट उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर जो है इसका थर्ड आ गया बेटा, सॉल्व आपको करना है, बाकी पूरा मेथड जो है मैंने इसको क्लियर कर दिया। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला दिया था उसी का यूज है, तो इसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। गिवन क्या है, करंट गिवन है, दैट इज 5 एम्पियर करंट इज गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एंगल फाइंड करना और ये लेंथ, तो देखो ये कितना हो गया बच्चों, इट इज इक्वल टू 3, आधा है, ये 5 है तो ये कितना हो गया 4, ठीक है दैट इज योर 4, तो ये अपना आप पास आ गया। एंगल बहुत इजी है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो मैं लिख लेता हूँ, लेट ये एंगल अल्फा है, सो व्हाट आई कैन राइट 5 cos अल्फा इक्वल टू 4,
सो यहाँ मैं साइन अल्फा की टर्म में लिखूँ तो कॉस अल्फा अपने पास आ गया 4/5. इससे अपने पास आ जाएगा साइन अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 3/5. वो आप वैसे भी फाइंड कर सकते थे. अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वो मैं यूज कर रहा हूँ. वो आपको अभी जस्ट लिखाया था, म्यू नॉट आई 4πr की जगह क्या लिखूंगा, 4×10⁻², बिकॉज ये सेंटीमीटर में गिवन है, इंटू 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा. ठीक है, तो ये अपना पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली ये तो आपको पता ही है 10⁻⁷ गिवन है, साइन अल्फा का वैल्यू गिवन ही है, आई का वैल्यू गिवन है, तो आप सब वैल्यू पुट करोगे तो इट विल बी 1.5×10⁻¹. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17. यस, क्वेश्चन नंबर 18. एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर्स ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एस बी. मैग्नेटिक फील्ड 1.5 गिवन है आपको. द फील्ड एक्सटेंड बिटवीन, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कि यहाँ पर इतना है, तो मैं लिख लेता हूँ दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड 1.5×10⁻³. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. पी क्यू पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड है 2 सेंटीमीटर, वो है 8 सेंटीमीटर, एस पर वो एंटर करता है, और जो एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो गिवन है दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी गिवन है. और आपको पूछा गया है कि पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो क्या है. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी कैलकुलेटिव है. तो यदि आपके कभी भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको स्टार्ट में पता चल जाता है कि ये कैलकुलेटिव है या नहीं है. तो आपको यदि पता चल जाए कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो उसको आपको आता है तो लास्ट में करना चाहिए, यदि आपके पास टाइम रहे तो. अदरवाइज़ ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टाइम कंज्यूम करता है बीच में. मतलब इस ऐसे क्वेश्चन देने का टारगेट ही होता है कि आप इसी क्वेश्चन में फंसते रहें, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि यार मुझे आता तो है मैं करूँगा. फिर आप कैलकुलेशन करने जाते हो, आपको लगता है कि कैलकुलेशन टफ है, बट फिर माइंड बोलता है नहीं मुझे ये तो आता है तो मैं करूँगा. तो इस टाइप से अपन को वहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, इसको स्किप करना है और फिर अपन को करना है. तो चलो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव है. तो एज पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, 2 सेंटीमीटर तक एक्सटेंडेड है. ये एक पॉइंट है एस, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ एस पॉइंट है. यहाँ पर यहाँ से एक स्क्रीन है, वो है यहाँ से 6 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल डिस्टेंस गिवन है. और आपको जो गिवन है एक पॉइंट पी गिवन है पी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यू पर जाकर हिट करता है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से टर्न लेकर ऐसे जाता है और उसके बाद ये डायरेक्ट मूव करेगा. देखो दो चीज़ आ रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके बाद वो स्ट्रेट मोशन कर रहा है. तो बेसिकली मुझे ये फाइंड करना है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि एक तो मुझे ये पता होना चाहिए. तो मैं इसका नाम ले रहा हूँ एक्स, तो एक तो मुझे चाहिए ये क्यू एक्स और एक एक्स पी. क्यू एक्स के लिए मुझे बेसिकली ये वाला एंगल चाहिएगा, अदरवाइज तो मैं फाइंड कर ही नहीं सकता. तो मेरे पास ये एंगल मुझे पता होना चाहिए. एंड एक मुझे एक्स पी चाहिए, तो एक्स पी के लिए अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लेट इसका सेंटर आ गया यहाँ पर सी. ठीक है, ये इसका सेंटर सी आ गया, तो ये इसकी आएगी रेडियस, और यहाँ से मिलाने पर ये क्या आएगा रेडियस. उसका बेनिफिट क्या है कि थीटा है ये 90 डिग्री है. यदि मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो पहले बात तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अपने पास एक्स पी आ रहा है. अब देखो एक्स पी कैलकुलेट करने में कितना डिफिकल्ट आएगा वो डिफरेंट देंगे, बट यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये यदि टोटल आर है, ये आर है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो गया, इट इज़ अगेन थीटा. तो अपने पास जो एक्स पी आएगा दैट विल बी आर 1 माइनस cos थीटा. ठीक है, एंड
यदि मैं इसमें देखूं तो क्यू एक्स डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 थीटा। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए यहां पर? थीटा तो मुझे चाहिए, एंगल मुझे रिक्वायर्ड है, एंगल के बिना मैं जा नहीं सकता, और मुझे आर भी चाहिए। तो मैग्नेट फील्ड का आपको वैल्यू दे रखा है, मैग्नेट फील्ड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन मुझे थोड़ी करनी है इसलिए, यहाँ लिख दिया 1.5 इंटू 10^-3, और जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका अपन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मुझे आर फाइंड करना है या एंगल फाइंड करना है, आप कुछ भी फाइंड करो, आर के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये 2 है। तो एक तो चीज़ यहाँ से आगे, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय आर। ठीक है, उसके बाद आपको कॉस थीटा फाइंड करना, तो कॉस थीटा फाइंड कर लेना, लेकिन ये साइन थीटा आ गया। अब मुझे आर फाइंड करते ही सारी चीज़ें आ जाएगी, बट अब देखो आर फाइंड करना किस टाइप से अपने पास डिफिकल्ट है यहाँ, तो अपन चलते हैं आर। आर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एनर्जी गिवन है 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय bq। नाउ 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 10^-19 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं अभी जूल में कन्वर्ट नहीं किया है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखता हूँ, डिवाइड बाय बी इंटू ई। तो अपने पास यहाँ से आर आ जाएगा 3.2 10^-19 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ नीचे आ जाएगा 1.6 सॉरी मैंने मास गलत लिख दिया 9.1 10^-31। तो यहाँ पर मुझे वापस सही करना पड़ेगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 18.2 10^-29 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ अंदर ले लेता हूँ, डिवाइड बाय बी कितना है, बी इज गिवन 3.2, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, एक बार मैं आप जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेता हूँ, 18.2 10^-29 इट इज 1.6 10^-19, और बी है वो -3 में है, तो एक मैं -3 लगाना भूल गया, तो 10^3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, देखो इन्हें इंटू 3 इंटू 10^3। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो आ रही है कि यहाँ रहेगा -10, बाहर आ गया, इन दोनों के लिए मैं सॉल्व करूँ सिर्फ इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा -10, बाहर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10^-5। ठीक है, तो ओवरऑल जो अपने पास आर आ रहा है, अब मैं यहाँ आ गया 18.2 डिवाइड बाय 182 डिवाइड बाय 16 इंटू 2^3 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता ही है कि जब इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ये जो है 16 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो अब उसका थोड़ा सा आपको यूज़ करना है, क्योंकि अपन एग्जैक्टली तो सॉरी 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, 14 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 196, तो ये 13 point something आएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि 13 का होता है 169, तो आपको 13.5 या 13 पॉइंट्स के आसपास देखना है कि 13.4 से आ रहा है क्या आ रहा है। तो अब यहाँ आप जो कर सकते हो ये कि एक बार 13.5 का स्क्वायर करके देख लो, और क्योंकि ये तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा 4, तो ये स्टेप से अपन जब सॉल्व करेंगे
थोड़ा सा माइंड यूज करना, कुछ ज़्यादा नहीं, बट इतना पता है कि ये जो है 182 है, इट इज लेस देन 14 एंड ग्रेटर देन 30. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.24 होता है, बट अपन 2.25 लिख सकते हैं. ये अपने पास आर आ गया. अब जैसे आर आओगे तो आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. हालांकि कहना बहुत इजी है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि उसके बाद जब अपने पास ये आर आएगा तो साइन थीटा बहुत खतरनाक हो गया. ये हो गया 2.24. अब इसके हेल्प से मुझे तो टेन थीटा फाइंड करना है. अब ये क्या है, आप यदि देखो तो ये तो है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस. तो बी जो फाइंड करना पड़ेगा, बेस जो फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 2.24 का स्क्वायर माइनस 2. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है. अब इसको अब सॉल्व तो आपको करना है अपन, ठीक है. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी. क्यू एक्स जो है वो आएगा 11.7 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, ठीक है. ये तो हो गया क्यू एक्स. और ऐसे ही वो जो एक्स पी आ रहा है, जो एक्स पी है वो आएगा 1.21 के आसपास, 1.21. तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो अपना आंसर है दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 12.87. ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है काफ़ी, थोड़ा सा माइंड यूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पर किया, सॉल्व तो मैंने किया, लेकिन आप 13.5 का स्क्वायर करोगे ना, या 13.6 का स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये 13.6 का जो है वो स्क्वायर है. तो थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, बट कैलकुलेटिव है नो डाउट, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों. तो ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट. अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो देखते हैं क्या है. ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू हैज इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज कौन सी डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में. तो इसको मिटा लेते हैं, ऊपर की ओर है v इक्वल टू v नॉट जे. ओके, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में. गुड. इट स्पीड विल डबल आफ्टर टाइम टी. किस टाइम के बाद इसकी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करता है. और यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इनिशियली, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है उस प्लेन के अंदर वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी. मैं ये बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वो है आई डायरेक्शन में, या सिंपल वर्ड में बोलो तो एक्स डायरेक्शन में. इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर उसका हमेशा वैल्यू रहेगा वी नॉट का स्क्वायर. ये बात आपको समझ में आएगी ना. इस मैग्नेटिक फील्ड का काम है इस जो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसके कारण उसको सर्कुलर मोशन में लेकर जाना. तो सर्कुलर मोशन में यदि लेकर जाएगा तो वी वाई एंड वी जेड उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, बिकॉज उस केस के अंदर जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है. तो आपको ये बोला गया है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्पीड में चेंज आएगा. सो अपन बोल सकते हैं कि जो भी इसके अंदर स्पीड में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है. अब बोला है कि किस समय स्पीड इसकी डबल हो जाएगी. इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 वी नॉट का स्क्वायर. ओके, ये कितना है वी वाई और वी जेड है वी नॉट. तो अपने पास ये जो वी एक्स आ गया वो आ गया √3 वी नॉट. तो अब तो बहुत सिंपल सा हो गया, एज वी नो दैट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स
टी, वी एक्स कितना आ गया रूट थ्री वी जीरो क्यू ई बाई एम दैट इज टी। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो रूट थ्री तो वैसे एक में दिख रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों एक बात आपने यदि नोटिस की हो तो क्वेश्चन में अपन ये 20th क्वेश्चन करने आए हैं उसमें से आई थिंक 50% क्वेश्चन है वो R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई बी क्यू पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है अपने जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रोटॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट गेट्स एन एक्सेलरेशन गिवन है एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एकदम ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से हो गया। देखो क्या है, आपको एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एम। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी बाई एम। आपको यहाँ पर एनर्जी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ 10^12, मास भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ दैट इज 1.6 10^-27, क्यू प्रोटॉन है 1. अब देखो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान ऐसा दिया है तो अपन यूज कर लिए 1.6 10^-19 इज इक्वल टू वी इंटू बी। तो बेसिकली अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको ये दे रखा है हाफ एम एम वी स्क्वायर इक्वल टू 10^6 1.6 10^-19। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू 10^6 1.6 10^-19 डिवाइड बाय एम, एम इज 1.6 10^-27 इंटू ये 2। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो तो अपन कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे एक तो कैंसिल आउट हो रहा है ये दोनों गया, ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये -7 है, ये 10^6 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से ये 13, तो ये मैं एक बार लिख लेता हूँ 13 अपन लिख लेते हैं 2, ये 13 है और ये -27 है तो दैट इज 10^-14। तो ये वी स्क्वायर, तो अपने पास वी आएगा दैट इज रूट 2 टाइम 10^7। तो अपने पास ये वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी को अब इसके अंदर अपन को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करते ही अपने पास आंसर बहुत सारा इजी आ जाएगा। देखो 1.66 गया, इस वेलोसिटी को यदि मैं एक मिनट अब मैं वेलो बी फाइंड करना था, बी वेलोसिटी कितनी है वो भी यहाँ लिख लेता हूँ रूट 2 10^7। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक ही टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी सब सारे पावर के बेसिस पर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो फिर देखो अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन अपने जो आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जो एकदम ईजी से हैं। ओके, तो इसी टाइप से अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, ए वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी, एक्चुअली ए आए बी आए डी आए, ए बी डी एम एन डी सी इज शोन इन द फिगर, कैरिंग ए करंट आई। देखो पहली बात तो ये जो आपकी लाइन है ये से पता चलना चाहिए कि पहले वायर ऐसे क्या है, फिर वायर ऐसे क्या है, उसके बाद उसने एक सर्कल कंप्लीट किया है एंड फिर इस डायरेक्शन से मूव हुआ है। ठीक है, वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट ऐसे, सिमिलर वे इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन हो गया इसका। आपको फाइंड करना है इस पॉइंट के अंदर कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं तीन सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ सो दैट कि आपको इजीली समझ में आए। तो पहला सेक्शन है ये जो नीचे वाला वायर है ये ऐसे, और अपना जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आर, इसकी जो रेडियस है आर वो, बट यहाँ से वायर इनफाइनाइट है और ये वायर यहाँ तक नहीं जा रहा है। तो पहली बात तो अपन को इस बात का ध्यान रखना है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। अब देखो बच्चों, एक मैं फॉर्मूला देता हूँ, आपको शायद याद भी होगा। यदि वायर ऐसा हो और ये यहाँ तक है, ये वाला जो पोर्शन है लेट या एंगल अल्फ़ा बना रहा है इस परपेंडिकुलर वाले से, दैट इज़ अल्फ़ा, एंड ये वाला सेक्शन यदि एंगल बना रहा है बीटा, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। आर कौन सा? ये वाला आर। तो इसके अंदर भी आर कौन सा रहेगा? ये वाला आर, बिकॉज इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसका, यहाँ पर अपन मान लेते तो एक तो ये बन रहा है एंगल दैट इज 45, और एक ये वाला जो बना रहा है इनफाइनाइट पर बना रहा है। ओके, तो मैं फॉर्मूला पूरा कर लेता हूँ। आर यह बनेगा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो ये जो पॉइंट है ना वो ऊपर वाला पॉइंट है, ये का यदि इस टाइप से होता ऐसे, ये तो मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ ये अल्फा है और ये बीटा है, सॉरी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसमें दोनों जगह क्या आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैं यदि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ लेट दैट इज़ बी वन, तो बी वन को ध्यान से लिखना दैट इज म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन अल्फा। यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करूँ तो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री, तो यह आ जाएगा 1 माइनस रूट 2। ये इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन के लिए, सेकेंड कौन सा है? सर्कुलर। कैसा था? ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की ओर, तो लेट दैट इज योर B2। सो B2 है, B2 विल बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय सर्कल के कारण होता है 2R, दैट्स इट। ठीक है, एंड थर्ड जो सेगमेंट है अब ध्यान से देखना, थर्ड जो है मैं इस पूरे यहाँ वाले सेक्शन को ले रहा हूँ। यदि लेट मैं अज्यूम करूँ कि जो वायर है वो यहाँ से है वो तो है ही ऐसा, तो उसमें एक एंगल तो बन रहा 45 और दूसरा जो है बन रहा वो इनफाइनाइट, तो B3 जो आएगा, अच्छा B3 की डायरेक्शन क्या है? B3 की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो B3 और ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो B3 आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ये भी आउटवर्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ दैट इज योर B1 माइनस B2 माइनस B3। यदि मैंने B1 को पॉजिटिव लिया तो दैट इज इनवर्ड, उसको लेना पड़ेगा, जैसे अपने ऑप्शन में जो है वो ऐसा कुछ गिवन नहीं, इनवर्ड आउटवर्ड। और मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड की बात तो मैं सिंपल से ऐसे कर देता हूँ, तो और वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर जो है फर्स्ट आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो तीन सेक्शन में मैंने इसको ब्रेक किया था, पहला ये वाला सेक्शन, दूसरा सर्कुलर, और तीसरा जो है स्ट्रेट वायर। अब आप ये बोल सकते हो कि ये तो पहले ऐसे गया था, फिर ऐसे गया, तो अपन जब सुपरपोजिशन यूज करते हैं ना, तो ये डजेंट मैटर कि फर्स्ट कहाँ गया सेकंड कहाँ गया, अपन उसके तीन सेक्शन किए थे और तीनों सेक्शन का इसको ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन
द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस ए बाई थ्री एंड टू ए रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको गिवन है कि एक इनफाइनाइट वायर है और इसमें से यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो करंट इज यूनिफॉर्म और इसका आपको जो रेडियस है वो ए गिवन है, तो मैं इसकी रेडियस लेट देयर इज योर रेडियस ए। आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ए बाई थ्री पर, जो कि क्या है इनसाइड, इसका मतलब आपको इनसाइड पूछा है, और उसके बाद 2a दैट इज आउटसाइड। तो बेसिकली आपको आउट एंड इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता है तो आप बहुत इजी से निकाल सकते हो यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो अपन देख लेते हैं एम्पियर लॉ क्या है। सपोज मुझे इनसाइड में फाइंड करना है तो मैं एक ऐसे लूप लूँगा रेडियस r का, तो अपन यदि यूज करते हैं तो b 2 पाई r, मैं ये इनसाइड के लिए फाइंड कर रहा हूँ, इक्वल टू म्यू नॉट करंट जो इस लूप के अंदर है। लूप के इनसाइड करंट कितना रहेगा, सपोज टोटल करंट i है एंड i डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ आपको रेडियस a दे रखी है, डिवाइड बाय पाई r का स्क्वायर। सो बेसिकली अपने पास जो b आ गया, अब मैंने इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो म्यू नॉट I दैट इज 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया इनसाइड का फॉर्मूला। ये जो है वो a जो है दैट इज द रेडियस, यदि आप रेडियस ले दो। इसी टाइप से b आउटसाइड का तो आपको पता ही होगा, b आउटसाइड अपन सीधा भी लिख सकते हैं, बी एव लाइक ए स्ट्रेट वायर, तो b आउटसाइड का क्या आएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गए। अब आपको जो पूछा है डिस्टेंस के साथ, सो अपन कर लेते हैं b इनसाइड, कौन से डिस्टेंस पर पूछा है a बाई थ्री पर, तो r की जगह अपन लिखेंगे a बाई थ्री, सो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा म्यू नॉट i, इस 2 पाई को मैं ऐसा कैसे रखता हूँ एंड r की जगह रिप्लेस करता हूँ a बाई थ्री, तो a बाई थ्री कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3a। ठीक है, बिकॉज 1/3 है तो ये, और ये जो है b आउट वो आपको 2 पूछा है, तो म्यू नॉट i डिवाइड बाय 2 पाई टू 2a। अब आपको इनका रेशियो पूछा है, तो आप रेशियो आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना आ रहा है, किसका पूछा है a बाई थ्री, मतलब ये डिवाइड बाय वो। ठीक है, तो अपन जब करेंगे b इन डिवाइड बाय b आउट, तो कितना आ रहा है इसका 3, तो दैट इज 2/3, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, बट एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें जैसे आपको पता होता है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तो उसका अपन इसके अंदर यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू, मास गिवन है चार्ज जो है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए आई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो आपको गिवन है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है। फॉलो द ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पी और क्यू दो पॉइंट गिवन है, द वेलोसिटी एट पी एंड क्यू आर गिवन है, पी और क्यू पर दोनों की वेलोसिटी गिवन है, और आपको इन ए बी सी डी में से सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो, पी पर वेलोसिटी वी है और क्यू पर वेलोसिटी 2v है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज तभी होता है जब कोई फोर्स उस पर वर्क डन कर रहा हो। अब आप बताओ इसमें से कितने फोर्स काम कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल पर, दो, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा वो एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा वो। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन कभी करता नहीं है, सो वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन उस कॉन्सेप्ट का यूज कर देते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2a,
तो मैं डब्ल्यू टी यूज़ कर रहा हूँ, आपको शायद इसका पता होगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वर्क एनर्जी थ्योरम की, अपन सीधा वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, ये तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू ए इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम टू वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो ये है फोर माइनस वन, तो थ्री एम, थ्री एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, कौन सा फोर, टू इधर आएगा तो ये इंटू क्यू, एंड ये ए भी इधर आ जाएगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से आप देखते हैं तो ये अपना पहला आंसर राइट हो गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पूछा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो आपको अब पूछा है ए का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब आपको पूछा है कि पॉइंट पी पर किस रेट से वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब आपको पावर पूछा है, और पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। ठीक है, तो एंगल इस पॉइंट पर वेलोसिटी वैसे है, एंगल जीरो है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फोर्स कितना है, क्यू इसे लिख रहा जो दैट इज क्यू ई, तो थ्री एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए, ये तो आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये आ गया थ्री एम वी क्यूब बाई फोर, तो इसका ये ऑप्शन भी राइट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया समझ में, इसको अपन मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपन के पास ये है, अपन मैं वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट सी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू, क्यू पर रेट ऑफ वर्क डन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी वर्क डन करता ही नहीं है, तो रेट तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, तो उसका तो पावर आ गया जीरो। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब यदि मैं फॉर्मूला वापस वो यूज करूँगा एफ डॉट वी, तो वो आ जाएगा जीरो। तो ये राइट हो गया, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज जीरो, ये राइट है। अब अपन करते हैं डी की बात, तो डी एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा क्या है, डी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू इज 2mv। पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है या किसी पॉइंट के अबाउट पूछा जाता है, इन्होंने वो बात तो पूछी नहीं, तो डी तो वैसे रॉन्ग हो गया। बट फिर भी अपन मान लें कि अपन इस ओ के अबाउट करते हैं, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना है एम वी ए, ये तो है एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। व्हाट इज फाइनल, फाइनल हो गया एम टू वी टू ए, तो ये कितना आ गया फोर एम वी ए, तो आप डिफरेंस करने जाओगे तो ये आएगा थ्री एम वी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अपना अच्छा क्वेश्चन था एक, बट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 सोलेनोइड का क्वेश्चन है, तो अपन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर, ये एक सोलेनोइड है जिसकी आपको रेडियस गिवन है वो है आर। ठीक है, द सोलेनोइड हैज एन टर्न पर यूनिट लेंथ, वो आपको गिवन है, सोलेनोइड के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती भी है इसकी, एंड कैरीज अ करंट आई। ओके, द इलेक्ट्रॉन गन शूट एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, अब ये बोला है कि यहाँ पर जो गन है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शूट करता है, मतलब परपेंडिकुलर उसके, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी इज, आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी हो सकती है। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली क्या है, देखो सोलेनोइड के अंदर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो एक बार तो मैं यहाँ सोलेनोइड बना लेता हूँ ऐसे, यदि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यदि अपन
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं विद वेलोसिटी वी, तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे। यदि आप इधर से देखते हो इसके इनसाइड, तो आपको इस साइड दिखेगा, इसकी रेडियस आपको गिवन है आर, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप जैसे मान लो, सपोज या इनसाइड मान लो या आउटसाइड मान लो, बट लेट अपन मान लेते ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। नाउ लेट इलेक्ट्रॉन को ऐसे लॉन्च किया, तो अब इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करने का क्या है, तो अपन क्या करेंगे कि देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, चार्ज ऊपर जा रहा है, तो फोर्स ऐसे, पर वो किसके लिए होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो ये वेलोसिटी रहेगी, ये फोर्स रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो कहीं यहाँ पर आएगा, बाहर भी आ सकता है, बट आपको बोला है कि कैसे फेंकना है कि सो दैट इसको हीट नहीं करे, इसका मतलब इसका जो आर है दैट शुड बी आर बाई टू, क्योंकि यदि रेडियस ज़्यादा हो गई, इसकी रेडियस आर बाई से टू से ज़्यादा हो गई, तो वो इसको हीट कर जाएगा। सो अब अपने यूज कर लेते हैं, अब ये क्या होता है एम वी डिवाइड बाई बी क्यू इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं ये लिख दिया। आपको वेलोसिटी के बारे में पूछा था, तो अब तो वेलोसिटी अपने पास सीधा सीधा लिख लेंगे, क्या आएगा देखो B E R इंटू टू एम। अब B का वैल्यू अपने पास ये है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो E म्यू नॉट N I R डिवाइड बाय टू एम। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो अपन ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये आ गया ई एन आई आर डिवाइड बाय टू एम, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन हो गया, सो आंसर इज थर्ड वन, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो इजी क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पर शिफ्ट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट आ गया आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन, तो आपको बताइए कि इसका तो वर्क डन होगा नहीं, जो भी वर्क डन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बेटा ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। आपके पास जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये अपन यूज कर सकते हैं यदि फोर्स कांस्टेंट है तो। नाउ दैट इज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, इट इज गिवन टू आई प्लस थ्री जे, एंड वॉट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया आई प्लस जे, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये टू दैट इज फाइव क्यू, तो आपने सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ये अपना जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और बाकी आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई बी क्यू पर आते हैं, और कहीं कहीं पर कैलकुलेशन होती है, कहीं कहीं पर कैलकुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर आते हैं, ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।